क्या बात है प्यारे लाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आपके घर ही आ रहा था। आप इतने टेंशन में क्यों है? आप आइए बताता हूँ मैं। बैठिए। बताइए। मैंने अभी एक भयानक सपना देखा है। सपना? सुबह का सपना। कैसा सपना? बताता हूँ। बुरा हाल हो गया मेरा। अरे बाप रे। बुरा हाल तो होगा ही ना, इतना बुरा सपना जो देखा। अब मुझे सपना और कल्पना से मिलने में बहुत डर लग रहा है। अब आप लोग ही सलाह दीजिए कि मैं दूसरा ऐसा क्या करूं जिससे इस समस्या का हल निकल सके। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कल्पना जी। ये क्या इतना ड्राई मॉर्निंग? मुझे लगा आप मेरी आवाज सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अभी कल ही तो हमारा रिश्ता तय हुआ है। हाँ, वो कल्पना जी, सुबह सुबह मैं आपको और सपना को देख रहा था। मेरा मतलब है आपका सपना देख रहा था। ओहो। और ये ड्राई तो आपको इसलिए लगा क्योंकि आप सामने नहीं है ना? ओहो, पता है मैं कल से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, पर पोपटलाल जी, अब ना हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दामाद जी कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा हो पापा। अरे कल से जो रिश्ता तय हुआ है, हम सब बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। तो चलिए फिर इस खुशी को और बढ़ाने के लिए आज शुभ मुहूर्त में 12:30 बजे हम आपके घर शगुन लेकर आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप अपने पूरे गोकुलधाम परिवार को भी बुला लीजिएगा। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं 12:30 बजे आपके घर पर। ओके। कहाँ से खुश रहूं? भाभी, ये लोग 12:30 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। मैं क्या करूं? ये मत कहो, ये कहो कि हम क्या करें। हाँ, प्यारे भाई, मनोहर अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आज मुहूर्त अच्छा है, तो वो भी आज 12:30 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। क्या? हाँ। समय पर गोकुलधाम में दो दो सुकन्याओं के साथ शगुन मिली। भगवान, ये प्यारे लाल का सपना और कल्पना से एक ही समय पे मिलना, शादी के लिए हाँ होना और अब ये शगुन विधि सब एक साथ क्यों हो रहा है? तारो, तो क्या करेंगे? मैं क्या कहूँ अंजलि, अब जो भी निर्णय लेना है प्यारे लाल को ही लेना है। अरे मैंने दिल पर पत्थर रख दिया और सब भाग्य पर छोड़ दिया। मेहता साहब, मेरा एक हाथ पकड़िए। प्यारे भाई, ऐसे थोड़ी जीवन साथी का निर्णय करते हैं। आपके पास अगर इससे बढ़िया कोई उपाय हो तो बताइए। नेता साहब, एक हाथ उठाइए। वेरी गुड, कल्पना फाइनल। और वैसे भी शादी के लिए पहले हाँ कल्पना नहीं कही थी, और शगुन के लिए भी पहला फोन कल्पना की ओर से ही आया। नहीं नहीं प्यारे भाई, शगुन के लिए तो पहले सपना के पिताजी का फोन आया था, और यही बात बताने तो हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, लेकिन मुझे शगुन की पहली खबर कल्पना की ओर से ही आई है ना। प्यारे लाल, अगर कल्पना उस दिन जल्दी नहीं आती तो सपना की हाँ पहले आ जाती। हाँ। तो सपना को हाँ और कल्पना को मैं मना कर दूँ, यही चाहते ना आप? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि कल्पना के साथ कोई अन्याय हो। तो क्या चाहते हैं आप? हमें भी नहीं पता। हाँ तो फिर कल्पना फाइनल, प्लीज अब मुझे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तारक, अब हम सपना और अंकल आंटी को क्या जवाब देंगे? मेरी तो उनके सामने जुबान ही नहीं खुलेगी, मैं तो उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। हाँ तो फोन करके बता दीजिए। तुम मना करो, तुम फोन करो। ठीक है, लगा ये फोन, मैं बात करता हूँ। अरे बात करो, अरे बात करो, अरे बात करो।
हेलो, बात करो ना। हाँ बोलो तारक बेटा। हाँ हेलो, कौन कौन बोल रहा है? बेटा मैं मनोहर अंकल बोल रहा हूँ। जी अंकल नमस्ते, क्या कर रहे थे आप? बस शगुन विधि की तैयारी कर रहा हूँ। आप बताओ कैसे फोन किया? बस ऐसे ही। अरे वाह, इसे कहते हैं रिश्तों की मिठास। जहाँ बिना काम के भी फोन करने का मन करे वही सच्चा रिश्ता है। तो तारक बेटा हम 12:30 बजे तक शगुन विधि के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है? चलो वही मिलते हैं गोकुल धाम में। जी पर आपने बोला क्यों नहीं? तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे फंसता मैं गया हूँ। कमाल, प्यारे लाल के जिस रिश्ते के लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज जब वो रिश्ता आ गया तो मुझसे पीछा छुड़ा रहे। पता नहीं कैसे धर्म संकट में फंस गए हैं हम। तारक हम चाचा जी से जाकर बात करते हैं, शायद उनके पास कोई उपाय हो। चलिए 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 भाई। बाबूजी तो राशि भविष्य पढ़ के देता हूँ। तू कब से राशि भविष्य पढ़ने लगा? ऐसे टाइम पास, ये टाइम पास वाली राशि भविष्य पढ़ने से भाग्य अच्छा नहीं होता, अच्छे कर्म करने से भाग्य अच्छा होता है। चाचा जी क्या हुआ? मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो क्या हुआ क्या? चाचा जी मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। सपना और कल्पना अपने अपने परिवार के साथ आज 12:30 बजे गोकुल धाम में शगुन लेकर आ रहे हैं। हाँ चाचा जी। अरे तो कैसे दोनों लड़की वाले शगुन लेके आ रहे हैं? तूने लड़की वालों से कुछ कहा नहीं कि सीधे सीधा हाँ कह दिया? हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ ऐसे कैसे आ रहे? कल तो नक्की हुआ था ना कि तुम दोनों लड़कियों को बारी बारी मिलोगे, बातचीत करोगे, उसके बाद तय करोगे कि किसके साथ शादी करनी है। हाँ? बराबर है, नक्की हुआ था, लेकिन आज सुबह उठते ही दोनों से मिलने की मेरी हिम्मत टूट गई। क्यों? क्योंकि आज सुबह मैंने एक डरावना सपना देखा। डरावना सपना? हाँ मैंने देखा कि इस तरह दोनों को मेरा सच पता चल गया और मेरी दुनिया हिल गई। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अब दोनों में से किसी से नहीं मिलूंगा। इस समस्या का उपाय मिले उससे पहले दोनों लड़कियों का फोन आ गया कि हम 12:30 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे पर दोनों को तुमने हाँ कैसे बोल दिया? तू क्या नींद में था क्या? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैंने दोनों को हाँ नहीं बोला। कल्पना का फोन मुझे आया, लेकिन सपना का फोन मेहता साहब को आया था। जी चाचा जी, आज सुबह सुबह सपना के परिवार वालों का फोन आया था और उन्होंने कहा कि 12:30 बजे वो शगुन लेकर आ रहे हैं। और यही बात बताने हम प्यारे भाई के घर गए, लेकिन बात बताए उससे पहले उन्हें कल्पना का फोन आया कि वो लोग भी 12:30 बजे आज शगुन लेकर आ रहे हैं। हाँ चाचा जी, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं मिल रहा है। दोनों परिवार वाले 12:30 बजे शगुन लेकर आ जाएंगे। हाँ अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, प्यारे भाई को एक लड़की को मना करना ही होगा, वरना अगर दोनों के परिवार वाले शगुन लेकर आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। चाचा जी जल्दी से कुछ सोचिए और मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकालिए। मैं यहाँ खाली कर दिया जगह वंदन। मिला कोई आइडिया? सोच रहा हूँ।
पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। मैंने सोच लिया। अरे वाह, क्या? कल्पना। कल्पना को हाँ बोलना है कि ना बोलना है? हाँ बोलना। चाचा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल्पना को हाँ कहना चाहिए? डिब्बे, तुझे सबसे पहले किस लड़की ने हाँ बोला? कल्पना ने। हाँ, और कल्पना और उसके परिवार ने तो तुझे बहुत पहले से ही पसंद कर लिया था, बराबर? बराबर। इसलिए मुझे कल्पना को हाँ बोलना ही उचित लगता है। माना कि सपना और उसके परिवार को दुख होगा। मुझे भी इसी बात का बहुत दुख है। लेकिन लेकिन हमें ये निर्णय लेना ही होगा। लेकिन बापू जी, अब तुझे क्या है? तेरे पास इससे भी अच्छा कोई उपाय है? नहीं, उपाय नहीं है। हाँ तो बस, फालतू बात करने का टाइम नहीं है। फालतू बात नहीं कर रहा था बापू जी, मैं ये कह रहा था कि सपना को भी एक चांस मिलना चाहिए। उससे बिना बात किए आप उसके नाम पे कैसे चौकड़े मार सकते हैं? अरे मैं क्या बात करूं सपना से? नहीं नहीं, आप मतलब मैं पोपटलाल की बात कर रहा हूँ। प्यारे लाल, सपना के लिए तो मैं प्यारे लाल हूँ ना। अरे भाई, तुम उसके लिए जो भी लाल हो, एक बार मिलकर बात तो करो। जेठालाल, चाचा जी ने जो भी कहा वो सही है। मैं और अंजलि चाचा जी की इस निर्णय से सहमत है। मेहता साहब, जेठालाल, हम जानते हैं कि सपना हमारी रिश्तेदार है, लेकिन कभी कभी जीवन में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तू सपना और उसके परिवार को फोन करके रिश्ते के लिए मना कर दे। मेहता साहब, सपना और उसके परिवार से आप मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा। अब कल्पना ही मेरी जीवन साथी बनेगी। अंजलि बेटा, पोपट लाल और कल्पना बेटी के शगुन की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है चाचा जी, टाइम बहुत कम है, लेकिन हम शगुन की विधि शानदार तरीके से करेंगे। मैं जल्दी से सबको बता दूंगी ताकि सब जल्दी से रेडी हो जाए। पर शगुन की विधि करेंगे कहाँ? मेरे घर पर। और अंजलि भाभी, कल्पना को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो शगुन की थीम ब्लू रखे। एक मिनट एक मिनट, उसे ब्लू कलर पसंद है ये बात उसने तुम्हें सपने में बताई थी ना? अरे नहीं नहीं, कल्पना जब पहली बार मुझे मिलने आई तब उसने ये बात बता दी थी, इसीलिए तो मैंने सपने में देखा। ठीक है, हम कल्पना के लिए ब्लू थीम ही रखेंगे और ये बात भी मैं सबको बता दूंगी। थैंक यू अंजलि भाभी। और मेहता साहब, आप अपने बॉस को फोन करके आज छुट्टी ले लीजिए। वो तो आज सुबह जब सपना के परिवार वालों का फोन आया था ना, तभी बॉस को फोन करके उनकी डांट खा के छुट्टी ले ली। अब चलिए, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत कम टाइम है। चाचा जी, आपने मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। हाँ, खुश रहे, खुश रहे। चलिए, अब आप सपना के लिए अंकल आंटी को फोन कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके चल। सपना के परिवार वालों के सामने मेरी बैंड बजेगी। वाह वाह, आज तो गोकुलधाम में पोपटलाल के शगुन की शहनाई गूंजेगी। अरे अंजलि भाभी, कैसे होगा सब? अरे पूरे गोकुलधाम में सबको इन्फॉर्म करना है, मेरा घर डेकोरेट करना है, मुझे तैयार होना, अभी 12:30 बज जाएंगे। अरे भाई, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा गोकुलधाम साथ में सब मिल के तैयारियां कर लेंगे। ये देखो, हमारी टप्पू सेना कब काम आएगी? शगुन की आधी तैयारियां तो ये लोग ही कर लेंगे। टप्पू सेना, टप्पू सेना क्रिकेट खेलना कैंसिल करो, जल्दी इधर आओ। अरे बात ही ऐसी है, आज कल्पना के साथ मेरा शगुन है। हाँ, आज 12:30 कल्पना और उसके परिवार वाले प्यारे भाई के घर शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे वाह, फाइनल हो गया। लेकिन कल रात को तो डिसाइड किया कि आप दोनों आंटी को मिलेंगे, फिर डिसाइड करोगे, तो मीटिंग कब हुई? अरे वो सब छोड़ो भाई, अब सिर्फ ये याद रखो कि पोपट अंकल के लिए कल्पना आंटी फाइनल हुई है। ओके। वाह, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कांग्रेचुलेशन।
नाचने के लिए आप लोग को बहुत टाइम मिलेगा। अभी शगुन की बहुत सारी तैयारियां करनी है, प्यारे भाई का घर डेकोरेट करना है, शगुन विधि के गिफ्ट्स, मिठाइयां, नाश्ता सभी को बताना भी तो है। डोंट वरी अनिल आंटी, टप्पू से ना है ना, इसमें से प्यारे अंकल के घर का डेकोरेशन करना, नाश्ता मिठाई लाना, सारी जिम्मेदारी टप्पू सेना की। परफेक्ट। और साथ में अब्दुल की भी। ऑफ कोर्स अब्दुल भाई। अच्छा सुनो, शगुन विधि का थीम है ब्लू, क्योंकि तुम्हारी कल्पना आंटी का फेवरेट कलर ब्लू है। अच्छा। ठीक है मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है। कलर कलर ब्लू मैं बोल दूंगा कल्पना को कि तुम लोग उसके नाम से मुझे छेड़ रहे हो। कल्पना आंटी। अच्छा बच्चों, डेकोरेशन का सारा खर्चा मैं दूंगा। चलो चलता हूँ। लाइन खिंच गई चेक पे। लाइन छोड़ा हो, पोपट भाऊजी की लाइन क्लियर हो गई। मतलब क्या है? मतलब पोपट भाऊजी की शादी फिक्स हो गई। आज 12:30 बजे शगुन विधि है, कल्पना के साथ पोपट भाऊजी की शादी फिक्स हुई है। सब्दे का है? मतलब पोपटलाल की शादी का सप्ताह कल्पना ने पूरा किया। मतलब वो कल्पना सप्ताह सप्ताह कल्पना जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर हो गया। क्या बात है गणपति बप्पा, बोल यार। अरे गोकुला वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है ये। ओ करज करज, फाइनली पोपटलाल की शादी का इंतजार खत्म हो गया। मैं तो इतनी खुश हूँ। अम्मी का बेटे, आज दिन भर जितने भी ऑर्डर आएंगे ना, हम लोग सबको 1-1 किलो 1000 पापड़ फ्री देंगे। हा? ए नहीं नहीं, सबको नहीं तो हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। जो पहला ऑर्डर आएगा ना उसको दे देंगे। जाओ जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। चंगी जी ना, मेरी तरफ से पोपू और कल्पना भाभी को देने के लिए भी गिफ्ट ले आना, एकदम टॉप क्लास। अरे सोड़ी, अभी गिफ्ट लेने जाऊंगा ना तो 12:30 उधर ही बच जाएंगे, हम लोग कवर दे देंगे ना। कवर? वो तू पोपू को कवर देगा? वो तू अपने पोपू को कवर देगा? ओए पोपू है वो पोपू, कोई एरा गेरा नत्थू खेरा नहीं है जो तू उसको कवर दे देगा। ओ द मोस्ट वेटेड, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कंट्री, वो अपने पोपू का सगन सेरेमनी है। हाँ, कोई चंगी जी गिफ्ट देंगे जिससे कि वो गिफ्ट उसको काम भी आए और हमारी यादगिरी भी बन जाए। ठीक है कवर नहीं देंगे, गिफ्ट देंगे लेकिन बाद में देंगे, तो ये फटाफट तैयार हो जा। सोड़ भाई पता है ना ब्लू थीम है? हाँ है ना, मेरे पास नई ब्लू ड्रेस है। मेरा यार बने का दूल्हा, मेरा यार बने का दूल्हा, पहुंची बनेंगे दूल्हा। वाह वाह, पोपटलाच लगल गंगेत घोड़ ना पोपट नाला। वाह 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 आप सोच रहे होंगे ना कि आज मेहता साहब इतने रिलैक्स क्यों? रिलैक्स होने का समय आ चुका है, कब से कल्पना सपना कल्पना सपना कल्पना सपना चल रहा है। अब पोपटलाल के लिए कल्पना फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, अरे पोपटलाल ने दो नाव की सवारी छोड़ दी है। पूरा का पूरा गोकुलधाम इतना खुश है और पूरा का पूरा गोकुलधाम पोपटलाल की शगुन विधि की तैयारियां कर रहा है। आप भी आइए और पोपटलाल को आशीर्वाद दीजिए कि उसकी शगुन की विधि में कोई विघ्न ना आए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द पोपटलाल की शादी की शहनाई हम सबको सुनाई दे। क्या है ना, गोकुलधाम में खुशियों का माहौल छाया हुआ है, आप भी खुशियां मनाइए। लेकिन गोकुलधाम में खुशियों के पीछे हंगामे छुपे हुए, और जब यहाँ पर हंगामे होते हैं तो आपके घर की खुशियां तो डबल ही होंगी ना। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। प्यारे अंकल का चुगुल है। बले 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 बले। गोगी गोगी गोगी, बल्ले बल्ले बाद में करेंगे, पहले शगुन की तैयारियां करनी है। और गोली डेकोरेशन के सामान का तो पूछ लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो अंकल, वो सब सामान का जो लिस्ट दिया था वो सब अवेलेबल है ना? परफेक्ट, थैंक यू। सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, डोंट वरी।
थैंक गॉड। टप्पू सोनू तुम दोनों जाके डेकोरेशन का सामान लेकर आओ, ठीक है? और मैं और पिंकू नाश्ता लेके आते हैं, और गोगी तू यहीं पे वेट कर। एक मिनट गोली, नाश्ता लेने अगर तू जाएगा तो रास्ते में आते आते आधा नाश्ता खत्म हो जाएगा, इसलिए नाश्ता लेने तू मत जा प्लीज। गोली तू इधर रुक, हम नाश्ता लेकर आते हैं। चल 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 भाई चल। अब्दुल भाई हम लोग डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं। हाँ। और हाँ तोरण और फूल जरूर लेके आना। हाँ तोरण दरवाजे पे लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और हाँ फ्रेंड्स वो तोरण और फूल भी ऐसा अपने ब्लू थीम से मैच कर ऐसा लाना। हाँ ठीक है परफेक्ट। और हाँ जल्दी आना, तैयार भी तो होना है। चल जेठिया फटाफट तैयार हो जा। क्यों आप नहीं आ रहे? मैं भी आ रहा हूँ, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, तुझे तैयार होने में टाइम लगता है ना, तेरी वजह से वहाँ लेट ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। तैयार होने में टाइम क्या बापू जी, पैंट शर्ट पहना के तैयार। कौन से कलर के? ब्लू ब्लू ब्लू। हाँ ठीक। अच्छा सुन। हाँ बापू जी। और 2500 के 2 कवर बना देना। हाँ एक पोपट के लिए और एक कल्पना बेटी के लिए। जी जी बापू। क्या है कल्पना बेटी भले गोकुलधाम में बहू बनकर आ रही हो लेकिन हमारे लिए तो बेटी जैसी ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। अरे नटू काका और बागा को तो फोन करना रह गया कि आज दुकान में लेट आऊंगा, बोल देता हूँ। बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, वो आज मैं दुकान जरा दोपहर के बाद आऊंगा तो दुकान संभाल लेना है। क्या हुआ? अरे आज 12:30 बजे वो पोपट लाल का शगुन है ना। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन सेठ जी पोपट भाई ने तो दोनों लड़कियों को हाँ बोल दिया था ना, तो तय हो गया दोनों लड़की में से किस लड़की के साथ शगुन है। कि दोनों के साथ शगुन है? अरे दोनों के साथ कैसा शगुन हो सकता है नटू काका, क्या अब भी वो सपना और कल्पना में से कल्पना के साथ तय हुआ है। अरे वाह वाह, हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहिएगा। जरूर। और सॉरी भी। वाई सॉरी? वो हम दुकान छोड़ के पोपट भाई के शगुन फंक्शन में जा नहीं सकेंगे ना, इसलिए। तुझे इनवाइट किया है? नहीं। तो फिर? अच्छा अच्छा सेठ जी सॉरी कैंसल, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिएगा। ठीक है। अच्छा सुनिए सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कैंसल। क्यों? तुझे इनवाइट नहीं किया इसलिए? नहीं नहीं नटू काका, क्योंकि हम खुद पर्सनली पोपट भाई को फोन करके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करेंगे इसलिए। हाँ नहीं नहीं बराबर है बागा, तुम लोग पर्सनली फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, उसको भी अच्छा लगेगा। जी सेठ जी। ओके चलो ठीक। बबीता मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि प्यारे लाल को 2-2 शादी का रिश्ता आया है, उसमें से एक तो फाइनल होगा ही और एक का शगुन विधि भी होगा, इसलिए मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर प्यारे लाल। यू नो व्हाट, I'm 3 times happy for प्यारे भाई। 3 times? Yes. कैसे? एक तो पहली बात प्यारे भाई को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई, दूसरी बात हमारी महिला मंडल को एक नई सदस्य मिल गई, और तीसरी बात हमें एक बहुत प्यारी सी नेबर भी मिल गई। करेक्ट करेक्ट बबीता, चलो रेडी हो जाए। Yes. हंस, आज तो प्यारे लाल भाई और कल्पना की शगुन विधि है, तो तुम क्यों रोमांटिक हो रहे हो? मेरी कोमू, मेरी ऑक्सीजन, आज मुझे हमारे शगुन का दिन याद आ गया। याद है ना, मैंने ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम ऐसे ही शर्मा रही थी, और शर्माते शर्माते मुझे घायल कर दिया था। तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए रहता है रोमांटिक होने के लिए। अरे चलो अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, शगुन के लिए जाना है। कोमल ऐसे सेलिब्रेशन के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ, आज हम शगुन में मोतीचूर के लड्डू देंगे तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। चलो चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ चलो। कल्पना कल्पना कल्पना, मेरी प्यारी कल्पना। अरे वाह 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 बच्चों, क्या जबरदस्त तैयारी कर रहे हो। थैंक यू अंकल। थैंक यू पोपट भाई। समोसे और मिठाई हाजिर है जी। नहीं अभी नहीं भाई, एक बार सब आ जाए उसके बाद। हाँ ठीक है, फिर अनाउंस क्यों किया? गोली अभी डेकोरेशन पे फोकस कर, नाश्ता किचन में रख। बोल बागा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्यारे भाई। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान आपकी और कल्पना बेटी की जोड़ी सलामत रखे।
और पोपट भाई बावरी जी भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, वो भी आपको विश करना चाहेंगे। अगली मधुर आवाज आप सुनेंगे बावरी जी की। बावरी जी स्टार्ट। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस लोपट भाई। अरे लोपट भाई नहीं, बावरी जी प्यारे भाई। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने नाम रखा और मैं ही भूल गई। थैंक यू मुझे इतना प्यारा नाम देने के लिए, लेकिन क्या है ना, मेरा रिश्ता पोपटलाल नाम से आया है और कल्पना को भी पोपटलाल नाम बहुत पसंद है, तो अभी मैंने ये नाम रखा है, इसलिए अब मैं पोपटलाल नाम ही रख रहा हूँ। सॉरी बावरी। अरे सॉरी मत बोलिए, नाम जरूरी नहीं है, रिश्ता आया वो जरूरी है और रिश्ता हो गया ये जरूरी है। आज आपकी शगुन विधि है इसलिए हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और आपकी पत्नी की जोड़ी मेरे और बागेश्वर जी की जोड़ी की तरह सुपर हिट रहे। मैं और बागेश्वर जी एक दूसरे को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार आप दोनों में हो तो आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे थैंक यू सो मच। वेलकम खटपटलाल जी। खटपटलाल जी नहीं बावरी जी, पोपटलाल जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज 12:30 बजे के पहले आप तीनों गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइएगा। सॉरी लेकिन इतनी शॉर्ट नोटिस में हम लोग दुकान छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन आपकी सगाई और शादी होगी तब हम जरूर आएंगे। ओके बाय, एंजॉय शगुन विधि। ओ थैंक यू थैंक यू। बाय बावरी जी। बाय। बोलिए बोलिए जुली जी। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल जी, आखिर आपका रिश्ता कल्पना जी के साथ तय हो ही गया। अरे थैंक यू आपका और आपके मैरिज ब्यूरो का, आप लोगों की वजह से मेरा रिश्ता हुआ है। अच्छा आपको शगुन विधि में आना है? नहीं नहीं आज डिफिकल्ट होगा, ऑफिस चालू है। अच्छा तो फिर सगाई और शादी में पक्का आना पड़ेगा। हाँ हाँ पक्का, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू चलो ओके बाय बाय। अरे टेबल कहाँ ले जा रहे हो? पोपट अंकल डेकोरेशन हमारी जिम्मेदारी है ना, आप रिलैक्स करो। जस्ट चिल। हाँ ओके ओके चलो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, डेकोरेशन के बाद आप लोग भी तैयार हो जाना, अभी सब आ जाएंगे। हाँ आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। दादर कैसी लग रही हूँ मैं? अंजलि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे जुल्म करने का। मतलब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कितनी खूबसूरत लगी, आज तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा और आपको पता है मैं और भी ज्यादा खूबसूरत कब लगती हूँ? कब? जब मैं आपको अपने हाथों से करेले का जूस पिलाती हूँ, लेकर आओ। अच्छा अच्छा ये रोमांस के बीच में करेला कहाँ से आ गया? वैसे ही जैसे प्यारे भाई के शगुन की तैयारी के बीच में रोमांस आ गया। एक मिनट, शगुन का सामान मंगवाया था अब तक आया नहीं? हाँ वो आ जाएगा, उसका मैसेज आ गया। पता है तारक, मुझे दिल से लग रहा था कि सपना और प्यारे भाई का रिश्ता हो ही जाएगा, पर हुआ ही नहीं। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट लुक एट द ब्राइट साइड, हमारे प्यारे लाल का रिश्ता तय हो रहा है। रिश्ता? हाँ, और इसी दिन का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, बस प्यारे भाई की शादी हो जाए और उसी मंडप में हम भी फेरे ले ले। ये तब होगा जब आप शगुन के लिए तैयार होंगे। चलिए जाइए जल्दी। अरे यार जाइए, बस आइडिया बुरा नहीं है। वाह जबरदस्त डेकोरेशन हुआ है, ब्लू कलर का थीम बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम। आइए अंजलि भाभी, आइए आइए बबीता जी। अरे यार भाई आइए आइए आइए। अरे सही है, आजा मेरे भाई, आजा 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 आजा। आइए आइए आइए। घर तो बहुत सुंदर सजाया है यार। हाँ ब्लू थीम बहुत अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू।
और बबड़लाल तुमने भी अपने आप को बहुत ही अच्छा सजाया है। क्या अच्छा सजाया, ये बोलो बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत अच्छे लग रहे। अब बहुत अच्छे लग रहे, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई दूल्हे राजा जिस दिन का तुम्हें इंतजार था वो आ गया। ओहो, सिर्फ दिन नहीं हम सब भी आ गए। ओहो टप्पू सेना, और तुसी तो कमाल कर दिता, वो इतने कम टाइम में इतना बढ़िया डेकोरेशन, एकदम टॉप क्लास, वो दिल खुश कर दिता। ये सारी मेहनत टप्पू सेना और अब्दुल भाई की है। कविता जी इसमें क्या है? हमारी कल्पना भाभी के लिए साड़ी है। थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम, शुभ स्वागत। पोपटलाल वाह 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 भाई वाह। अरे कैसे है, अरे कैसे है, सब लोग आ गया। मस्त सजा है, डेकोरेशन अप्रतिम है। अरे एकदम मजा, टप्पू सेना ने किया होगा नहीं? और अब्दुल भाई। अरे हाँ अब्दुल। अच्छा पहले लाल पोपटलाल। अरे पर कल्पना से बात फाइनल हुई है ना, तो अब पोपटलाल। ओ अच्छा ऐसा है का, ओके ओके ओके। क्या है ना पोपटलाल, हम लोग अभी थोड़े घाई घाई में आए ना, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाए। हाँ तो कोई बात नहीं भिड़े, ये पोपटलाल के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रकम। नहीं नहीं ऐसा नहीं जेठालाल, हम लोग पोपटलाल को गिफ्ट ही देंगे, लेकिन स्पेशल गिफ्ट देंगे बाद में। अरे अच्छा तुझे मिला हुआ गिफ्ट स्पेशल बोल के चिपकाना है? हम लोग में ऐसा नहीं करते जेठालाल। नहीं हम लोग में तो करते है। और टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं ना, ऐसे एक गिफ्ट मैनेजमेंट। ओए पप्पू, ओ मैंने तो सोच लिया, ओ मैं कल्पना भाभी को शगुन में ना कुकर सेट दूंगा, और तू ये शगुन की खुशी में जो पार्टी साड़ी देगा ना उसका बिल मैं भरूंगा। अरे अरे मेरा कहने का मतलब सी कि शगुन की खुशी में तू जो खाने की पार्टी देगा, छोले भटूरे और जी लस्सी वस्सी पिलाएगा, उसका बिल मैं भरूंगा। कभी आ रहे कौन? कल्पना वाले। क्या कल्पना ने? कल्पना नहीं है ते? अरे कल्पना ये थे, कल्पना कितने बजे आ रही है उसकी कल्पना नहीं, मतलब आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा पोपटलाल लड़के वाले कितने बजे आ रहे हैं? 12:30 बजे का बोला था, बस अभी आते ही होंगे। तो हम लोग उनका स्वागत करने नीचे कंपाउंड में जाते हैं। हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ महिला मंडल भी चलते हैं। अंजलि भाभी आप और बबीता जी जाइए, मैं और कोमल भाभी किचन में सब तैयारी करते हैं। नहीं का? आइए आइए बाकी के लोग। ओके बबीता जी अच्छा स्वागत कीजिए। तू कहाँ आ रहे? नहीं मैं इधर ही हूँ। आराम आराम से, आराम से बेटा। और बैठे बाबू जी, बैठे बैठे। हाँ अरे अरे क्या कर रहे हो खलाल? अरे तू पीछे से घुस गया यार। घुस गया, मैं तो बैठ रहा था यहाँ पे। अब तू कहाँ बैठेगा? मैं हाथ पे नहीं, सोफा के हाथ पे बाबूजी ऐसे। हाँ, ये बैठ गया। कमाल है ना, मैंने शादी के लिए अपना नाम पोपटलाल से प्यारे लाल किया, लेकिन कल्पना से अब शादी पोपटलाल नाम से ही हो रही है। अने कहा विधि नहीं विचित्रता, विचित्रता नहीं तो तू छोड़ना हमने। ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने नाम बदला उसका असर हुआ इसलिए कल्पना का रिश्ता तुम्हें आया। सही बात है। जो भी हो बस कल्पना जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच। पोपट भाई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पोपट अंकल हमारे फेवरेट अंकल है, तो उसी तरह आप हमारे फेवरेट आंटी हुए। और हमारी फेवरेट आंटी का स्पेशल वेलकम तो बनता है। चलो चले चलिए वेलकम।
आइए वेलकम वेलकम आइए 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 बैठिए आइए ना प्लीज आइए नमस्ते बैठो बैठो बैठिए ना प्लीज बैठिए बैठिए बैठो बैठो बोपटलाल बैठो तुम बैठो वो बैठ सब बैठ जाएंगे आप बैठो अरे वाह ये तो कल्पना के फेवरेट ब्लू कलर थीम रखा है इन्होंने और डेकोरेशन में सबके ड्रेस में भी ब्लू ब्लू है और हमारा दूल्हा राजा तो ब्लू राजा बना हुआ है देखा देखा और आपका जिनसे परिचय नहीं हुआ है मैं उनका आपसे परिचय करवा देता हूँ ये है मेरे परम मित्र जेठालाल ये चंपक चाचा के बेटे मेरे बड़े भाई जैसे हैं अरे नहीं नहीं बड़ा बीड़ा कुछ नहीं भाई भाई जैसे हैं शगुन में बुआ नहीं आई कौन बुआ पोपट भाई बुआ सच में नहीं है उन्हें तो आपने सपने में देखा था ना वो कल्पना की बुआ मामा रिश्तेदार वगैरह होंगे ना उनके बारे में पूछ रहे हैं बराबर अच्छा 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 नहीं वो क्या है कि हमारे सारे रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते हैं वो इसलिए आज के आज तो आ नहीं पाए लेकिन सगाई में जरूर आएंगे तो अब शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य की शुरुआत करें हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरे इस शुभ घड़ी का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे परसों से जी हम लोग तो शगुन की विधि शुरू करें पोपट जी 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 एक मिनट हो गया क्या हुआ बेटा अच्छा शुरू कीजिए अभी अभी कर सकते हैं प्यारे भाई चलते चलते अंधेरे में आपका पैर खड्डे में पड़ गया तो कैसा झटका लगेगा कड़ी धूप में अगर आपकी स्कूटर खड़ी और आप उस पर बैठ जाए तो कैसा चटका लगेगा ठीक वैसा ही झटका और चटका हमारे पोपटलाल को लगा है क्योंकि नाम चेंज करने वाला विकास सामने आया जी हाँ अगर एक ओवर में चार रन चाहिए तो जीतना पॉसिबल है लेकिन अगर बॉलर हैट्रिक लेकर सबको क्लीन बॉल कर दे तो कहीं हमारे पोपटलाल का हाल ऐसा ना हो जाए क्योंकि सपना को तो पहले ही ना बोल दिया अब बच्ची कौन कल्पना अब इस नाम के उलझन में अगर कल्पना ने इस रिश्ते से ना कर दिया तो भाई जिस कारण के वजह से नाम बदला था कहीं वही कारण शादी ना होने का बन गया तो शुभ शुभ बोल मेहता शुभ शुभ बोल नहीं नहीं अब से मैं शुभ शुभ बोलूंगा और शुभ शुभ सोचूंगा आप भी पोपटलाल के लिए शुभ शुभ सोचिए क्योंकि रिश्ता होना बहुत जरूरी है उसके लिए लेकिन इस रिश्ते के महासंग्राम में सामने से गुगलियां तो बहुत आने वाली है अब देखना ये हमारे पोपटलाल इस गुगली को खेलते कैसे लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए भिड़े भाई नमस्ते कैसे भिड़े जी बस बस बढ़िया आपके घर पे फंक्शन चल रहा है सॉरी प्यारेलाल भाई आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया कौन प्यारेलाल ये प्यारे लाल भाई
पोपटलाल। वो तो आपका पुराना नाम था ना, अभी तो आपका नाम प्यारे लाल है। विकास पोपटलाल ही है। ओ, अच्छा अच्छा, आपको आपका नाम वापस बदलना है। एक मिनट, नाम बदलना है मतलब? इनका नाम पत्रकार प्यारे लाल है, जो पहले पत्रकार पोपटलाल था, जो अभी बदल कर पोपटलाल से प्यारे लाल कर दिया। पोपटलाल जी, क्या ये सच है? हाँ कल्पना जी, ये सच है। मैंने अपना नाम पोपटलाल से प्यारे लाल रखा है। क्या? लेकिन हमें तो मैरिज ब्यूरो वाले ने इसके बारे में कभी नहीं बताया, और जब हमने तहकीकात की तब भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और कल जब हम आपके घर आए थे तब भी आपने हमें यह नहीं बताया कि आपने अपना नाम बदल लिया है। सॉरी, पर पोपट भाई का नाम दो दिन पहले ही बदला है। और सच कहूं तो जब हमें मैरिज ब्यूरो से पता चला कि कल्पना और आप सबको पोपटलाल नाम पसंद है, तो हम सबने मिलकर निर्णय लिया कि ये बात हम आपको शगुन के पहले नहीं बताएंगे। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मतलब आप सबने हमसे झूठ बोला? अरे नहीं 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 नहीं, रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई। जब हम पहले आपके घर आए और आप लोगों के मुंह से प्यारे नाम निकल जाता था तो आप लोगों ने हमसे झूठ बोला। हाँ, और गोकुलधाम की बहनें पोपटलाल को प्यार से प्यारे भाई कहती है, ऐसा हमें कहा। लेकिन आपने नाम बदला क्यों? वो एक्चुअली माधवी भाभी के काका है, वेणु काका, वो ज्योतिष है। उन्होंने मेरी कुंडली देखकर कहा कि मेरे पुराने नाम की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, और उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम बदल दूंगा तो शादी हो जाएगी, इसलिए मैंने अपना नाम पोपटलाल से प्यारे लाल रखा। नाम बदलते ही दो चमत्कार हुए, आपका रिश्ता आया और आज शगुन की विधि है। हाँ, नाम बदलना तो गलत है। सॉरी, पर इसमें गलत क्या है? अरे कोई अपने जन्म से जुड़े नाम को कैसे बदल सकता है? जब मैंने पहली बार आपका पोपटलाल नाम सुना था तो मुझे आपके नाम से लगाव हो गया था। तो जो नाम आपके बचपन से जुड़ा है उससे आपको बिल्कुल भी लगाव नहीं है? नहीं कल्पना, पोपट भाऊजी को अपने नाम से लगाव है। देखो तुम ऐसी छोटी सी बात के लिए। माफ कीजिए, पर ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। I'm sorry, पोपटलाल जी, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना तो मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। जो इंसान अपने बुआ ने रखा नाम बरसों तक उस पहचान के साथ जीता है और शादी के लिए उस नाम का त्याग कर देता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हो? सॉरी पोपटलाल जी, अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है ना तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही गलत बात है। अरे ऐसी सोच वाला इंसान तो कुछ भी कर सकता है। हाँ
कल को ज्योतिष बोलेंगे कि आपके जीवन की रुकावट आपकी पत्नी है, अनलकी है, पत्नी बदल डालो, नई शादी कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। तो आप अपनी पत्नी भी बदल डालेंगे? अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा। क्या? ओ कम ऑन कल्पना जी, आप गलत सोच रही हैं। पोपटलाल भाई ऐसे नहीं है। हाँ, जो नाम आपका जन्म से बरसों से साथ देता आया है, अगर आप उसे बदल सकते हो तो पत्नी तो यूं बदल सकते हो। सॉरी पोपटलाल जी, नाम बदलना दूसरों की नजरों में सही हो सकता है पर मेरी नजरों में गलत है। ऊपर से आपने ये नाम बदलने की बात हमें बताई भी नहीं। मैं बताने वाला था पर बताया तो नहीं ना। ये बात छुपाना मतलब धोखा देना है। कल्पना बेटी, पता है मम्मी, मैंने पोपटलाल जी के साथ जीवन भर साथ रहने के सपने देखे, उनके साथ शादी करने के सपने देखे, पर मेरे लिए मेरे सपनों से बढ़कर मेरे सिद्धांत हैं और उनसे मैं समझौता नहीं कर सकती। पोपटलाल जी ने मेरा दिल तोड़ा, मेरा विश्वास तोड़ा, मेरे परिवार का विश्वास तोड़ा, और ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसा मत कीजिए कल्पना, मेरी बात तो सुनो। बात मेरा ये डिसीजन फाइनल है, मतलब फाइनल है और अब ये नहीं बदलेगा। क्या? प्लीज कल्पना ऐसा मत करो प्लीज। मम्मी पापा चलिए। कल्पना मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। अंकल आप तो समझदार लगते हैं। हेलो अंकल सुनिए ना, अरे समझाइए ना अपनी बेटी को। अजीब है, शादी के लिए नाम बदला और बदले हुए नाम की वजह से शादी कैंसिल हो गई। क्या म्हणता, गाव बदललं तरी नशीब नाही बदलत। अरे पण गाव कुठे बदललं, नाव बदललं ना। अरे तेच ते बाबा। भाऊजी भाऊजी देखिए दुखी मत होइए, वो लड़की की सोच ही गलत है। इसे नाम बदलने पर थोड़ी कोई रिश्ता तोड़ता है, नहीं का? एक तरह से अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। हाँ उसका बैड लक प्यारे भौजी। हाँ वरना अगर कल आपकी कल्पना से शादी हो जाती तो पता नहीं किस किस बात पे रूठती। अरे सांसारिक जीवन में छोटी मोटी गलतियों को सुधार कर नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ता थोड़ी तोड़ना चाहिए। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दोनों रिश्ते कल्पना रिश्ता तोड़ के चली गई और सप्ता को हमने मना कर दिया। अरे पोपटलाल प्यारे लाल, अरे पोपटलाल प्यारे लाल कुछ मत बोलो, मेरे भाग्य में शादी ही नहीं लिखी इसलिए आज से मेरा नाम कुंवारे लाल है। अरे? अरे तो क्या अभी तुम्हें कभी शादी करनी ही नहीं है? करनी है ना, तो नाम कुंवारा लाल नहीं शादी लाल रखो, शादी लाल। तुम्हारे भाग्य में शादी है क्योंकि कल्पना ने ना कही है, सपना ने ना नहीं कही। क्या? लेकिन उसे आपने ना कह दिया। नहीं मैंने अब तक सपना को शगुन कैंसिल करने के लिए फोन नहीं किया है। क्या? हाँ पोपटलाल, जब तुम और अंजलि जेठालाल के घर से गए उसके बाद। अरे मैं तू क्या सोच रहा है, फोन करके मना कर दे।
एक मिनट बापूजी, मेरे हिसाब से सपना को अभी फोन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है बापूजी, जब जब पोपटलाल की शादी की बात चली है तब तब कोई ना कोई बाधा आई है। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ बापूजी कि जब तक पोपटलाल और कल्पना का शगुन नहीं हो जाता तब तक सपना को ना ना कहे तो। लेकिन ना नहीं कहेंगे तो सपना और उसके परिवार वाले 12:30 बजे शगुन लेकर आ जाएंगे। पता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप सपना और उसके परिवार वालों को ये कहिए कि 12:30 के बजाय 4 बजे आए। अरे लेकिन कल्पना और पोपट का शगुन हो गया तो? हाँ तो वैसे भी आप अभी सपना को फोन करके ना बोलने का कह ही रहे ना, तो शगुन हो जाने के बाद उसको ना बोल देंगे। हाँ ठीक है, तो मैं सपना और उसके परिवार वालों को 4 बजे आने के लिए कह देता। हाँ कह दीजिए, कह दीजिए। और फिर मैंने सपना के परिवार वालों को 4 बजे शगुन लाने के लिए कह दिया। तुम दोनों ने कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया। ओए पप्पू की डूबती रैया को पार कर दिया। भाई से खुशी में तालियां हो जाए। इतना बड़ा ट्विस्ट मैंने आज तक किसी सस्पेंस मूवी में भी नहीं देखा। सही बात है, ये तो पोपट भाऊजी की स्टाइल में जेठा भाई मेहता साहब। खुशी से आपने सबकी दुनिया हिला दी। मान गए जेठालाल, तुम्हारे दूरंदेशी को मान गए दोस्त। जेठालाल अरे आप लोग कितने समझदार हो, मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। पर मैं आज मैंने निर्णय ले लिया था कि अब से मैं जीवन भर कुंवारे लाल बनकर रहूंगा। अरे हमारे होते हुए हम तुम्हें कुंवारा रहने नहीं देंगे पोपटलाल। थैंक यू, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है। तारक, इतनी बड़ी बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? सॉरी अंजलि, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहता और तुम पोपटलाल और कल्पना की शगुन विधि एंजॉय नहीं करते। अरे अभी शांत क्यों, जेठा अंकल और मेहता अंकल ने तो एक ही बॉल में सेंचुरी मारी है। नाचो। अरे भाई नाचना कूदना बाद में, 4 बजे सपना और उसका परिवार शगुन लेके आ रहे हैं तो उसकी तैयारी करो। ओह चाचा जी, वो तैयारी करने की क्या जरूरत है, वो सब कुछ रेडी तो है। नहीं सॉरी, ये तैयारी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सपना को येलो कलर पसंद है ना। येलो? अरे ब्लू से येलो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, शगुन क्लब हाउस में रखते हैं। हाँ एक्चुअली क्लब हाउस में तो हम लोग येलो थीम की पूरी जबरदस्त तैयारी कर देंगे। अरे वाह पोपटलाल, अब तो तुम्हारा शगुन धूमधाम से क्लब हाउस में होगा। नहीं जेठा जी। क्यों? क्योंकि शगुन विधि पोपट भाई की नहीं प्यारे लाल भाई की होगी। सपना को प्यारे लाल नाम पसंद है तो अब से मैं प्यारे लाल। डोंट वरी अंकल, डेकोरेशन में हम सपना और प्यारे लाल ही लिखेंगे और ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये शगुन ले चांदी है। सही बात है, और कैटरिंग वाले को मैं कह देता हूँ कि खाने में सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पेटी सब रखे। ओ, क्या बात है आती भाई, आपने तो एकदम वेटर जैसा बोला। Excuse me? नहीं मतलब ऐसे फास्ट फास्ट बोला ना एकदम, इसलिए। ओ हाथीपुरा, ओ साथ में ना ठंडी ठंडी लस्सी भी रखना। और हाँ टप्पू से ना तुम फोटोग्राफर को भी कह देना। हाँ बोल देंगे प्यारे भाई,
देखना सपना के साथ आपका शगुन ना शानदार होगा। हाँ प्यारेलाल भाई, मुझे लगता है भाग्य को यही मंजूर है कि आपकी शादी कल्पना जी से नहीं सपना जी से हो। हाँ वो कहते हैं ना, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, मेहता सब, हम सपना को पहले ही बता देते कि मैंने अपना नाम बदला है। आपको क्यों बताना है? आप तो पोपट अंकल से प्यारे अंकल बने, उसके बाद सपना आंटी से मिले ना। हाँ। करेक्ट है जी। नहीं नहीं बेटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेहता साहब आप अभी के अभी फोन करके बता दीजिए। ठीक है, मैं और अंजलि उन्हें फोन करके सब कुछ सच बता देते हैं। हाँ अंजलि आओ ना। यहाँ आओ। हेलो सपना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तारक भाई, बस शगुन विधि के लिए गोकुलधाम आने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके। सपना, एक्चुअली तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अंजलि दीदी, आप टेंशन में लग रहे हो? आज की शगुन विधि कैंसिल तो नहीं है ना? कहीं प्यारे जी का इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं नहीं सपना, प्यारे भाई का इरादा तुमसे शादी का ही है और आज शगुन विधि 4 बजे ही है। थैंक यू भगवान। वो बात ये है कि प्यारे भाई का नाम अभी तो प्यारे लाल है, पर 2 दिन पहले तक उनका नाम पोपट लाल था। वो एक्चुअली उनकी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए माधवी भाभी के ज्योतिषी विनू काका ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए तो अपना नाम बदल दे। तो बस इसलिए उन्होंने अपना नाम पोपट लाल से प्यारे लाल रखा। और ये बात हम तुम्हें शगुन विधि के पहले बताना चाहते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, अच्छा हुआ ना नाम बदला। मुझे प्यारे लाल नाम बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि दीदी, इतनी आवाज अचानक से कैसे? एक्चुअली यहाँ पर भी शगुन की तैयारियां हो रही है ना, तो बस थोड़ी चहल पहल है। तो मिलते हैं आज शाम 4 बजे। हाँ ओके, बाय बाय, सी यू। ओके बाय। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी के रिश्ते को लेकर कोई ना कोई गुगली जरूर आएगी। आ गई। सपना का परिवार शगुन लेकर आ रहा है, नहीं तो जिस तरह से पोपटलाल की कल्पना से शादी की कल्पना बिखर गई, ठीक उसी तरह से पोपटलाल की सपना के साथ शादी का सपना भी टूट जाता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि हमने सपना के परिवार को ना नहीं कहा। अब सपना के साथ रिश्ते की बात आगे बढ़े। हम पोपटलाल के सिर्फ पड़ोसी नहीं रहेंगे बल्कि उसके रिश्तेदार भी बन जाएंगे। दोस्तों, सपना का परिवार शगुन लेकर आ रहा है, तो आप भी आइए हमारी खुशी को दुगना करने और इस शगुन का हिस्सा बने। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। प्यारे भौजी, आपके लिए प्यारे लाल नाम ही लकी है। जब से रखा है तब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, देखा है? अरे बबू, और तेरा शगुन का रास्ता तो एकदम क्लियर हो गया, ना कोई रुकावट और ना कोई स्पीड ब्रेकर। हेलो सर। अरे क्या सर, मेरा सर फटा जा रहा है। पोपटलाल, तुमने अभी तक आर्टिकल भेजा नहीं। अरे सर, पहली बात तो पोपटलाल नहीं प्यारे लाल, और दूसरी बात एक गुड न्यूज है। हा? मेरा रिश्ता तय हो गया है और लड़की वाले आज 4 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, नाम बदलने से फायदा हो गया।
तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नहीं, ऐसे फोन पर बधाई देने से नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा आशीर्वाद देने। अरे मगर मेरी बात, और वार कुछ नहीं, आप 4 बजे से पहले गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में पहुंच जाइए। ओके ओके, थैंक यू सर, मेरे सर भी आ रहे शगुन के लिए। हेलो पोपटलाल जी, ये सब क्या हो गया? वही जिस बात का डर था, कल्पना को मैंने अपना नाम पोपटलाल से प्यारे लाल किया, ये बात पसंद नहीं आई तो वो रिश्ता तोड़कर चली गई। सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, इतनी सी बात पे कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। ये तो नादानी है, आप फिकर मत कीजिए, आपके लिए हम लोग बहुत जल्दी दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। नहीं नहीं जुली जी, दूसरा रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी और लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया है और आज लड़की वाले 4 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। आपको और आपकी होने वाली पत्नी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जुली जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जुली जी। आश प्यारे भौजी, देखा प्यारे लाल नाम का चमत्कार, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बीनू काका, थैंक यू थैंक यू। अरे हाँ जेठालाल, मुझे प्यारे लाल नाम बावरी ने दिया है और नट्टू काका और बागा हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य की तरह ही है, तो उन्हें भी निमंत्रण दे देते हैं। हाँ ठीक है, बुला लो बुला लो। मैंने फोन लगा दिया। ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू मैडम, विजिट अगेन। नट्टू काका पूरे 15,000 है। ओके। पोपट भाई, पोपट भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। भगवान आपकी और कल्पना की जोड़ी हमेशा खुश रखे। अरे थैंक यू पर नट्टू काका, अब जोड़ी बदल गई है। शगुन कल्पना के साथ ही सपना के साथ हो रहा है। लेकिन शगुन तो कल्पना से होने वाला था ना। अरे पपड़ा एक मिनट फोन, नट्टू काका वो मैं दुकान आकर सब विगतवार समझाऊंगा, हाँ ठीक है। अच्छा ओके ओके सेठ जी ओके। हाँ। आप बस 4 बजे गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में शगुन विधि के लिए आ जाइए। पोपट भाई निमंत्रण के लिए थैंक यू, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेठ जी। हाँ आ जाओ दादा। एक काम करो, ओ मगन को दुकान में बिठा के एक आध घंटे के लिए इधर आ जाओ। लेकिन सेठ जी मगन तो डिलीवरी के लिए गया है, बागा और बावरी शगुन में जरूर आएंगे, मैं दुकान संभाल लूंगा। थैंक यू। ठीक है ऐसा करो, ठीक है चलो। ठीक है बागा, तो फिर बावरी जी और तुम 4 बजे गोकुलधाम क्लब हाउस में आ जाना। ओके पोपट भाई थैंक यू। थैंक यू बागा बॉय, जल्दी से घर पहुंचो, तैयार हो जाओ और बावरी को पिकअप करके गोकुलधाम पहुंच जाओ। आए आए सर। चलो अभी शगुन की जगह, निमंत्रण और समय तय हो गया है, तो टप्पू से ना क्लब हाउस में तैयारी शुरू करो, हम सब भी रेडी होके आ जाते हैं। मिलते हैं 4 बजे। 4 बजे बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। अरे कहाँ छुपी हुई थी अब तक? मैं, मेरा गोकुलधाम परिवार और हमारा शानदार सजा हुआ क्लब हाउस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाओ, ये येलो थीम का डेकोरेशन कितना अच्छा किया है और वो भी कितना कम टाइम में। हाँ। चल, इतनी गड़बड़ के बाद भी डिब्बे का। बाबू जी प्यारे लाल। हाँ प्यारे लाल, और सपना बेटी के शगुन का दिन आ गया। आ गया। हाँ वो तो आना ही था ना चाचा जी, आज के दिन के लिए हमारे पत्रकार जी ने कितने पापड़ बेले थे। सही बात है। मैं जरा चाट खा कर आता हूँ। हाथी भाई अभी से, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टेस्ट करके आता हूँ, वो देखना पड़ेगा ना, खट्टा मीठा तीखा सब बराबर है कि नहीं। वो कैटरिंग वाले को मैंने बुलाया है। ओ अच्छा, बाबू जी कैटरिंग वाले को हाथी भाई ने बुलाया है तो सुना मैंने। अच्छा हाँ सर,
अगर सब ठीक नहीं होगा तो फिर आके ही मुझे लोग बोलेंगे कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, इसलिए टेस्ट करके आता हूँ। थैंक यू हंस। बाबा मैं भी आपके साथ आता हूँ, आने में थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है। आजा आजा आजा। वाह वाह बहुत ही टेस्टी है, पास। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। हाँ मतलब खत्म हो गया सब? नहीं नहीं है, मतलब बढ़िया टेस्ट है। है ना, बस तो ये प्यारे भाई का नसीब भी बहुत शरारती है। कहाँ दोपहर को कल्पना जी के साथ शगुन होने वाला था और अब देखो सपना जी के साथ हो रहा है। अभी कल्पना वाला चैप्टर भूल जाओ और प्यार लाल और सपना के ऊपर फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, देखो मैं तो कहता हूँ आज ये शगुन होते ही आप सपना के माँ बाप से बात करके और सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा के चट मंगनी पट ब्याह करवा के हमारे प्यारे लाल को ठिकाने लगा ही देते हैं। ठिकाने लगा देंगे मतलब? अरे जेठालाल क्या ठिकाने लगवा देंगे, ये गलत वाक्य है भाई। ऐसा बोलो कि सुखी संसार की शुरुआत करवा देंगे। आते मंजे ते जो हमारे गुजराती में से बोलते हैं कि ठिकाने पड़ी दी है। अपन लोग को ना समझे। सॉरी। हाँ बस सभी तो आ गए, दूल्हे राजा कहाँ है? वो अरे हाँ आ गए। अरे ये तो ये आ गया। कांग्रेचुलेशंस प्यारे लाल जी का। अरे तो चमत्कार हो गया, बाउरी ने प्यारे लाल का सही नाम बोला। सेठ जी, बाउरी जी ने तो नाम रखा है। अच्छा बोलो। ये क्या सेठ जी, प्यारे भाई ने आपने हमें बताया नहीं कि पीले कपड़े पहन के आना है? अरे हाँ सॉरी, ध्यान भर रह गया। लेकिन टेंशन मत ले भाई, तू पीले कपड़े पहन के नहीं आया तो इधर कोई फाइन नहीं है। ओ यारो, वो अपने दूल्हे राजा है कितने? अरे आ गया आ गया आ गया। आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। चाचा जी, हमारे प्यारे लाल की एक ही मनोकामना थी जीवन की, उसकी शादी। उसकी शुरुआत हो चुकी है अभी। हाँ भाई दूल्हे राजा, आज तो चमक रहे हो एकदम। लेकिन मुझसे ज्यादा हमारा क्लब हाउस चमक रहा है। बेटा पुश है ना अब्दुल मियां, क्या गजब डेकोरेशन किया है। तो मेरी शादी का डेकोरेशन भी आप लोग ही करोगे? थैंक यू। लेकिन सगाई और शादी का चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा। अरे चलेगा चलेगा, मैंने शादी डेकोरेशन फंड अलग से ही रखा है। और हाँ एक और खास बात, भाई सपना को प्यारे लाल नाम बहुत पसंद है, तो आप लोग प्लीज मुझे प्यारे लाल कहकर ही बुलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब समझ गए हैं कि प्यारे लाल नाम तुम्हारे लिए बहुत लकी है। हाँ बहुत लकी है। थैंक यू बावरी, ये प्यारे लाल नाम देने के लिए। वेलकम माधी भाभी, आप लोगों को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरा शगुन हो रहा है। प्यारे भौजी, थैंक यू कहना है तो विनुका का को कहिए। हाँ अरे उनको तो थैंक यू बोलने के लिए मैं बैंगलोर जाऊंगा। मेरा बस चलता तो आज की शगुन विधि में उनको बुला लेता, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, शादी में पक्का बुलाऊंगा। लेकिन उनको मैं किनकी वजह से जानता हूँ? आप लोगों की वजह से, इसलिए आपको स्पेशल थैंक यू। वेलकम। नहीं निमित्त तो वही बने ना, उनको लाया तो मतलब आया तो आपके घर पे ही ना हो। प्यारे लाल। अरे सर आइए आइए, प्लीज आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, आइए आइए आइए। ये मेरे एल्डर साहब है और ये मेरा गोकुल धाम का परिवार। नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी शगुन विधि के लिए आए। अरे बरसों के बाद तुम्हारे रिश्ते की मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो आना तो था ही ना।
अभिनंदन। थैंक यू। चार बजने को आ गए, लड़की वाले कहाँ तक पहुँचे? मेहता साहब, चार बजे का ही बोला था ना। हाँ, जरा फोन करके देखिए ना वो कहाँ पहुँचे। हमारे प्यारे लाल भाई सपना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लो, आ गया उनका मैसेज, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। अंजलि, उन्हें रिसीव करने जाए? हाँ, हम भी साथ में आते हैं। हाँ। मैं भी चलता हूँ। अरे ओ, ओ प्यारे लाल, रुको रुको भाई, आज आप दूल्हे राजा हो, आप इधर ही खड़े रहो, जरा मान मा रहे हो जो वर राजा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप लोग जाकर आओ भाई, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। रुक जाइए रुक जाइए, मैं बोलूंगा तभी बजाना। हम लोग मेहमान नहीं है, मेहमान अभी तो आएंगे, बस आते होंगे। देखो सपना, सभी ने तुम्हारी फेवरेट येलो थीम के कपड़े पहने हैं। हाँ हाँ, क्यों ना पहने, हमारी होने वाली महिला मंडल की मेंबर का फेवरेट कलर जो है। ओए अब बजाओ डोले। परिवार आपके परिवार का स्वागत करता है। सपना, बहुत बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू। हाँ, पर हमारे प्यारे भाई के स्माइल से सुंदर नहीं। अंजलि भाभी, एक मिनट, इससे पहले कि आप शुरुआत करें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आज पर तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक म्यूजिक सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस गोकुलधाम क्लब हाउस में हो रहे पत्रकार प्यारेलाल जी और कुमारी सपना जी के शगुन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सबकी ओर से प्यारेलाल जी और सपना जी, आप दोनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम गोकुलधाम वासी और सपना उसके परिवार वालों के लिए बहुत 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 बड़ा खुशी का दिन है। और आज हमारे सिंगल प्यारे भाई आज के बाद सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सपना के साथ जोड़ी में बंधने वाले हैं। तो मैं ममता आंटी से विनती करता हूँ कि हमारे प्यारे लाल और सपना की शगुन विधि प्रारंभ करें। अपना गार्डन संभालिए सर, प्लीज। इसको संभालो। ओ, तुसी तो पोपू के खास हो, आपको तो खास करके येलो कपड़े पहनने चाहिए थे। अरे मेरे को मालूम नहीं था येलो थीम है, नेक्स्ट टाइम थीम जान के ड्रेस पहनूंगा। नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब है कि तुसी पोपू की शगुन विधि दोबारा कराना चाहते हो?
नहीं किसको संभालो मलक मलक हो रहा है चेहरा पोपट लाल का प्यारे लाल का मावरी जी अब बस पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए और हमारी भी बापू जी आखरे प्यारे लाल नु गोठवाई गयो डिब्बे ने सांसारिक जीवन में पहला कदम रख दिया रख दिया शगुन की विधि तो हो गई एक और विधि बाकी है वो कर ले पड़दा विधि हाँ अभी कौन सी विधि बाकी है वो हंस पेट पूजा विधि के बारे में बोल रहे सही बात है सॉरी आंटी अंकल पेट पूजा विधि से पहले एक और विधि बाकी है कौन सी और डांस सेलिब्रेशन विधि जिस तरह से बारिश का मौसम आ गया है ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में खुशियों का मौसम छा गया है हमारे पोपट लाल प्यारे लाल की शगुन की विधि चल रही है भीनू काका की बात सच हो गई प्यारे लाल का सपना सपना के साथ पूरा होने जा रहा है प्यारे लाल के रिश्ते में कितनी सारी घटनाएं आई कभी स्पीड ब्रेकर आए तो कभी बड़े मोड़ आए कभी पलड़ा कल्पना की तरफ झुक गया तो कभी पलड़ा सपना की तरफ झुक गया लेकिन आखिरकार नसीब में सपना के साथ ही शगुन विधि लिखी थी तो आप भी आइए झूमिए नाचे गाइए और हिस्सा बनिए प्यारे लाल और सपना की शगुन विधि का तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए किधर जा रहा है? ओ सोसाइटी के मंदिर भगवान को थैंक यू बोल के आता हूँ हाँ हाँ ओके ओके अभी दो मिनट में आया रुको 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या हुआ अरे क्या हुआ अरे एक मिनट हम सब यहाँ पे नाच रहे हैं लेकिन प्यारे लाल का है अरे प्यारे लाल तो मंदिर में दर्शन करने के लिए गया है
ओहो, अगर मंदिर ही गया है तो सपना भाभी को साथ ले जाता। सपना जी, अभी से प्यारे भाई को पल्लू से बांध कर रखिए, वरना ऐसे ही कहीं जाते रहेंगे। सपना जी, आप चिंता मत करो, प्यारे लाल नीचे ही तो गया है सोसाइटी मंदिर में। ओ, अच्छा, लेकिन वो गया कब? हम लोग जब डांस कर रहा था तब। उसको तो काफी टाइम हो गया, वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा? मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो वो इतना ही बोलकर गया कि सोसाइटी मंदिर में जाकर भगवान को थैंक यू बोलकर आता हूँ। टप्पू बेटा, जरा देख ये प्यारे बेटा कहाँ रह गए। हाँ हाँ, देख देख भाई। हाँ दादाजी। अरे प्यारे अंकल तो आ गए। ये लो सपना, तुम्हारे प्यारे लाल जी आ गए। ओहे पप्पू, वो मंदिर ही जाना था तो कल्ला क्यों गया? सपना भाभी को भी साथ ले जाता। हाँ। अरे सोड़ी, ये कहाँ गया? अरे अरे शर्मा मत, अरे आओ आओ, अरे आओ भाई। ये कौन? ये कौन है? ये कौन है? ये स्वप्निल है। स्वप्निल? कौन स्वप्निल? स्वप्निल कौन? स्वप्निल अभी पता चल जाएगा। सपना जी, आप स्वप्निल को जानती है ना? जवाब दीजिए सपना जी, आप स्वप्निल को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो प्यारेलाल जी? ये आपके साथ कैसे? इसने आपको फोन किया था क्या? अरे नहीं नहीं, इसने मुझे कोई फोन नहीं किया। एक्चुअली जब हम लोग सब नाच रहे थे तभी। एक्सक्यूज मी, अरे एक्सक्यूज मी भाई साहब, अरे रुको, अरे भाई साहब रुको, अरे रुको। प्यारे लाल जी, आप मुझे जानते हैं? और आप? मैं वो रास्ता भूल गया। दरअसल मुझे जाना था गोवर्धन सोसाइटी के क्लब हाउस, पर मैं गलती से गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस आ गया। गलती से यहाँ आ गए हो तो फिर मेरा नाम कैसे पता है? वो क्लब हाउस में आपका नाम पढ़ा, प्यारे लाल एंड सपना। आप दोनों की शगुन की विधि है ना? बधाई हो। भाई साहब, मैं पत्रकार हूँ, जो दिखता है उससे ज्यादा जो नहीं दिखता है वो भांप लेता हूँ। बताओ, कब से सपना को पसंद करते हो? सच क्या है? आपने मुझे क्यों देख लिया? क्यों मेरे पीछे आ गए? जाने देते ना मुझे, जा रहा हूं। अरे रुको, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बताता हूं, मेरा नाम स्वप्निल है। मैं और सपना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों तो शादी भी करने वाले थे, पर मेरा एक और सपना था, कनाडा जाकर सेटल होना। मुझे ना कनाडा में एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, पर मेरे माता पिता वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं यहीं उनके साथ ही रहूं। फिर मैंने सपना के साथ कनाडा सेटल होने का फैसला कर लिया। सपना ने मुझे कहा, मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, मुझे उन्हें साथ ही जाना चाहिए, या तो मुझे उनके साथ यहीं रहना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। फिर भी तुम सपना और अपने माता पिता को छोड़कर कनाडा चले गए। हाँ, कनाडा जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि सपना सही थी और मैं गलत था।
करियर के चक्कर में मैंने अपने परिवार और सपना सबको छोड़ दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने माता पिता और सपना के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं इंडिया आ गया। तो यहाँ आते ही तुमने सपना का कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कैसे करता, कनाडा जाते ही उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, अपना मोबाइल नंबर बदल दिया। कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर कांटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ आकर तुम्हें पता चला कि सपना के साथ मेरा रिश्ता हो गया है और आज हमारा शगुन है, और तुम अपने प्यार अपनी सपना को देखने यहाँ चले आए। हाँ, बस एक बार देखना चाहता था, देख लिया, अब जा रहा हूँ। दुखी होकर? खुश होकर। खुश होकर कैसे? मैंने आपके बारे में पता लगाया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सपना को जीवन भर खुश रखोगे ये जानकर बहुत खुशी हुई। जो गलती मैंने की सपना को छोड़कर, वो गलती आप मत करना। सपना ना बहुत अच्छी लड़की, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत भोली लड़की है। अब वो आपके भाग्य में, भाग्यशाली हैं आप। और अब तुम क्या करोगे? मैं अपने माता पिता के साथ गांव चला जाऊंगा और उन्हें वहां जीवन भर खुश रखूंगा। और शादी? वो अब मेरे भाग्य में नहीं, मैं कुंवारा रहूं, यही मेरी गलती की सजा। चलता हूँ। अरे क्या बार बार चलता हूँ कर रहे हो भाई? चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे मेरी शगुन विधि में आयो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो आओ। अरे नहीं, अरे चलो, आ जाओ, चलो। अरे प्यारे लाल जी, अरे चलो भाई, चलो। सपना, तुम और स्वप्निल तो सिर्फ दोस्त थे ना? प्यारे लाल जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। स्वप्निल अगर जा रहा था तो उसे जाने देते। स्वप्निल, तुम यहां से चले जाओ। एक मिनट सपना जी, अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी है। स्वप्निल आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। इसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए वो आपके लिए कनाडा छोड़कर वापस आ गया है। तो वापस चला जाए, इसे जो करना है वो करे। मैं इसे भूलकर जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं। सच? मैंने अभी स्वप्निल से भी कहा कि मैं पत्रकार हूं, जो नहीं दिखता उसे पहले पढ़ पाता। आपकी आंखों में स्वप्निल के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा है। अब भी आपके दिल में इसके लिए बहुत जगह है। माधवी, लगता है पोपटलाल का ये रिश्ता भी पापड़ की तरह टूटने वाला है। प्यारे लाल जी, उस जगह अब मेरे लिए आप हैं। स्वप्निल, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ अब प्यारे लाल जी की जीवन साथी हूँ और मैं उनका जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इस भले इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी। सपना, तुम समझ नहीं रही हो, खुद का दिल दुखाकर मेरे साथ जीवन कैसे बिताओगी? अरे ये फिर से दूसरे के प्यार की वजह से अपनी शादी की कुर्बानी देगा क्या? लगता है ऐसी रहे जेठालाल। अरे हाँ, कहीं वेड़ा झाला है कि क्या है? नहीं नहीं, अपना पोपटलाल है ही ऐसा, खुद दुखी होगा लेकिन दूसरों को दुखी नहीं होने देगा रे। वाह काका, ये रहीला। सपना जी, आप दिल की बहुत अच्छी है,
इसलिए मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन स्वप्निल आपका पहला प्यार है, पहला प्यार हम कभी नहीं भुला सकते। पर प्यारे लाल जी, मैंने कहा ना कि मैं अपना पास्ट भुलाकर जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर स्वप्निल कनाडा नहीं जाता, यहीं रहता, तो आप इससे शादी करती ना? मुझे आपका जवाब मिल गया, आप अब भी स्वप्निल से उतना ही प्यार करती है और ये भी आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए कनाडा छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया। पर प्यारे लाल जी, पर वर कुछ नहीं, हम अपनी जिंदगी की अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों इस नाजुक रिश्ते में बरसों से बंधे हुए, आज भी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। नहीं है। तो फिर मेरे सर पर हाथ रख के आंखों में आंखें डालकर कहिए कि ये बात सच है। वो बोल रही है फिर भी जबरदस्ती है। सपना जी, जीवन भर हम तीनों अधूरे रहे, उससे अच्छा है आप स्वप्निल से शादी कर लीजिए। पर आप सपना प्लीज दलील मत करो, मान जाओ, क्योंकि हमारे प्यारे लाल को है ना अपना प्यार शादी सबको त्याग करने की बहुत पुरानी आदत है, वो अभी नहीं छूटेगी। हाँ। सपना तुम इसकी चिंता मत करो, हाँ ये दो दिन में सब कुछ भूल कर ना अपने लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देगा। हाँ मेरे लिए क्या है, एक और रिश्ता टूट गया और क्या। अंकल आंटी, आज का हमारा शगुन कैंसल समझिए और इन दोनों की शादी करा दीजिए, क्योंकि इनका सिर्फ दिल ही नहीं नाम भी मिल रहे हैं, सपना और स्वप्निल। आइए इन्हें आशीर्वाद दीजिए। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू पापा। प्यारे लाल जी, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। अरे नहीं नहीं, उल्टा मुझे खुशी हो रही है कि मेरी वजह से दो सच्चे प्रेमी जो बिछड़ गए थे वो फिर से मिल गए। प्यारे भौजी, प्यारे भौजी। और दूसरों को खुशी देने से बड़ी मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। प्यारे लाल जी, आप महान हैं। वाह प्यारे बेटा, जीवन में अपनी खुशियों का त्याग करना तो कोई तुझसे सीखे। चाचा जी, आप मुझे प्यारे लाल नहीं पोपट लाल ही कहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरा नाम प्यारे लाल हो या पोपट लाल, मेरी शादी तो होने से रही। अरे तो फिर मैं नाम क्यों बदलू, अब से मेरा नाम पोपट लाल ही रहेगा, नाम बदलना कैंसल। पोपट लाल, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक और रिश्ता है। कोमल, हम पोपटलाल के लिए दर्शना का रिश्ता लेकर आए थे ना। अरे हाँ, अरे हाँ, उनसे बात करो ना। हाँ फोन लो। हाँ। हेलो, नमस्ते आंटी, मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा आंटी, वो प्यारे लाल भाई के लिए हमने दर्शना के रिश्ते की बात की थी ना, शगुन में भी। Congratulations!
आंटी मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ? सॉरी, कल ही दर्शना का संजय नाम के लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ और आज शगुन विधि है। मुझे पता था। पोपटलाल, तुम भले ही अपना नाम ना बदलो, लेकिन अपने लिए ना विवाह संकट निवारण हवन जरूर करवा लेना। हाँ हाँ, सब करवाऊंगा, लेकिन अभी हमारे नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और इनकी शगुन विधि शुरू करते हैं। बजाओ ढोल। सपना और स्वप्निल की शगुन विधि संपन्न हुई, तो हम डांस करते हैं। मैं बचा जोड़ी मैरिज ब्यूरो। हेलो जूली जी, पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गई आपकी शगुन विधि? नहीं नहीं हुई। मतलब ये रिश्ता भी कैंसल हो गया? क्या बात कर रहे हो, एक ही दिन में दो दो लड़कियों से रिश्ता टूट गया? आपके जैसा तो किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। अरे अभी रिकॉर्ड छोड़िए और मेरे लिए अच्छी सी सुकन्या ढूंढना शुरू कर दीजिए। यस यस पोपटलाल जी, हम अभी से आपके लिए दुल्हन ढूंढो मिशन स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। थैंक यू जूली जी। चलो भाई पोपटलाल, कल सुबह से मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाना शुरू। हे भगवान, ईश्वर, प्रभु, ऊपर वाले, किस नाम से पुकारूं आपको और कैसे फरियाद करूं? मुझे ये जानना है कि पोपटलाल के मुंह का निवाला उसके मुंह तक आते आते रह क्यों जाता है, छिन क्यों जाता है? लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, क्योंकि पोपटलाल वो इंसान है जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पोपटलाल तो यारों का यार है, दिलदार है, और दो प्यार करने वालों को मिलाकर एक बार फिर से उसने साबित कर दिया कि उसका दिल कितना बड़ा है। पोपटलाल चाहता तो नाम बदलने का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिल की सुनी, क्योंकि पोपटलाल अपना हक छोड़ सकता है लेकिन किसी का हक मार नहीं सकता। ना ही पोपटलाल की कल्पना के साथ शादी की कल्पना सच हुई और ना ही सपना के साथ शादी का सपना सच हुआ, लेकिन फिर भी पोपटलाल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और इसीलिए वो हमारा हीरो है। लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर धूम धमाल मस्ती हंगामे चलते रहते हैं। एक हंगामा खत्म नहीं होता कि दूसरा हंगामा लाइन लगाकर खड़ा रहता है। तो कल हम हाजिर होंगे नए हंगामे के साथ, और ये हंगामा क्या है ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू भगवान, आज फिर एक बार आपने मेरे हाथों किसी का भला करवाया। सपना जी को अपना पहला प्यार मिल गया, और रही मेरी बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द मुझे मेरे जीवन साथी से मिलवा देंगे। मेरा नाम पोपटलाल को पट्टी की कैद से आजाद कर रहा था। बबीता जी, किस्मत का खेल भी अजीब है। ये दो दिन बहुत भारी रहे। भारी नहीं, तूफानी कहिए। पिछले दो दिन में तूफानी समंदर का सफर करके आया हूँ ऐसा लग रहा है। मानना पड़ेगा पोपट भाई, आपका दिल भी ना हमेशा इतनी बड़ी तूफानों को बर्दाश्त कर लेता है। पोपट भाई, यू आर वेरी एडमायरेबल, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हो। अरे हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, वरना ऐसे हाथ से हमारी दुनिया हिला देंगे।
लेकिन मेरी किस्मत देखिए, हमेशा किनारे पर आकर मेरी नाव डूब जाती है। लेकिन मैं अपनी नाव को किनारे पर ला कर रहूंगा। चलिए चलता हूँ। ओके। हैट्स ऑफ टू यू पोपट भाई, इतना कुछ हुआ उसके बाद भी आप हार नहीं माने। हाय हाय, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, वो भी बुके वगैरह लेके? वो पोपट अंकल के घर जा रहे हैं। गुड गुड गुड, पोपट भाई ने हिम्मत तो रखी पर अंदर से थोड़े मायूस लग रहे हैं। तो आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि टप्पू सेना है ना, उनका मूड एकदम फ्रेश कर देगी। ये टप्पू सेना रॉक्स। पोपट अंकल, हमें तो लगा मायूस हो गए, लेकिन आप तो खुशी से टन टन आ रहे हैं, टन टन टन। वाह 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 पोपट अंकल, आपकी ये क्वालिटी ना हमें इतनी इंस्पायर करती है। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमेशा खुश और स्ट्रांग रहना चाहिए। सिर्फ ये क्वालिटी नहीं, पोपट अंकल की सारी क्वालिटीज हमें इंस्पायर करती है। खुद का नुकसान हो जाए पर दूसरों का भला करना, ये हमारे पोपट अंकल की सबसे बड़ी और यूनिक क्वालिटी है। करेक्ट, यस। आप हमारे फेवरेट अंकल तो हो ही, पर अब आप हमारे हीरो हो, हीरो। तो टप्पू सेना की ओर से आपको दिया जाता है बेस्ट जेंटलमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। फ्रेंड्स, टू अवर डियरेस्ट पोपट अंकल। यस। क्या लिखा है? बेस्ट जेंटलमैन ऑफ द ईयर पोपट अंकल। यमी यमी है समोसे का टेस्ट, पोपट अंकल इज द बेस्ट। आदर्श रहना श्रेष्ठ है और आदर्श बनना सर्वश्रेष्ठ है। वाह। खुश रहने के और रखने के व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। वाह 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 बेटा वाह। और टायर पंचर से सफर रुकता नहीं और छोटे मोटे आदेशों से जीवन अटकता नहीं। अरे वाह पोपट अंकल, आप टप्पू सेना के प्यारे हो, गोकुल धाम के सितारे हो। थैंक यू सो मच। वेलकम पोपट अंकल। आप लोगों ने तो मुझे खुश कर दिया। तब खुश हो ही गए हो तो पार्टी तो बनती है ना, शुरू करें। पोपट भाई। अरे विकास भाई, आप आइए आइए आइए, विकास भाई आइए आइए आइए। पोपट भाई, आपसे माफी मांगने आया था, भिड़े भाई से पता चला कि आपका रिश्ता टूट गया और वो रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई तुम माफी मत मांगो, उल्टा मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर विकास भाई टाइम पे नहीं आते तो कल्पना जी के साथ मेरा शगुन हो जाता और फिर सगाई, और फिर जब भी कल्पना जी को मेरे नाम बदलने के बारे में पता चलता वो रिश्ता तोड़ ही देती, तो जो बाद में होना था वो पहले हो गया। अरे विकास भाई, भूल जाओ सब, उल्टा आपने मुझे बचा लिया। अच्छा तो वो गैजेट में नाम बदलने का? अरे अब मुझे नाम नहीं बदलना है, बचपन में मेरी प्यारी कांता बुआ ने जो मुझे नाम दिया था मेरा नाम वही रहेगा, पोपटलाल। तो अब नाम बदलना। चलिए पोपट भाई, तो चलता हूँ मैं। अरे कहाँ चलता हूँ भाई, नाश्ता करके जाओ, बैठो बैठो बैठो। सच में अंजलि, आज पोपटलाल के दो दो रिश्तों की वजह से आज हमारी हालत ऐसी हुई कि जैसे हाईवे पे लाइन में स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं ना, और स्पीड में चलती हुई गाड़ी ऐसे उछल उछल के जाती है, ठीक उसी तरह से हम भी उछल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। सच, क्या क्या नहीं किया हमने, कितनी कोशिशें की, पर पोपट भाई का रिश्ता ना ही सपना से हुआ और ना ही कल्पना से। लेकिन कोशिश की ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे कोशिश करने से तो बीज भवन में फंसी नैया को भी किनारा मिल जाता है। वाह सच कहा आपने, इसके लिए हम कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और देखना एक दिन पूरे गोकुल धाम में पोपट भाई की शादी की सहनाइया गूंजेगी। या आज तो बहुत हंगामे हुए, बहुत थकान होगी, सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे तारक को तो वो बात बता रहा, मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कल बता दूंगी। ओम
मित्राय नमो मृवय नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूषण नम ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्यम सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते पुरुषा शेरसा दृष्ट्या मनसा वचसा कराभ्या जानुभ्या दृष्टालक्षण आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रशु दारिद्रोपजाते काल मृत्यु हरण सर्वदिना सूर्य पादो तीर्थ धारायाम्यहम। पापा आप बालकनी में थे? हाँ, सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा था। ओ, मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था। बे सुबह मुझे क्यों ढूंढ रहा था भाई? वो मुझे आपसे काम है। कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं पापा, पैसे नहीं चाहिए, आपका ट्रैवल पाउच चाहिए। क्यों, कहीं बाहर गाँव जा रहा है? हाँ, टप्पू 2 दिन के लिए कैंप में जा रहा है। सॉरी, तू नहीं जा सकता बेटा। क्यों? क्या क्यों, बिना मुझसे पूछे तूने तय कैसे कर लिया बाहर गाँव जाने का? पापा लेकिन। अरे क्या पापा, माना कि तू बड़ा हो गया लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया बेटा कि जब मर्जी बिना पूछे बिना परमिशन के तू ऐसे बाहर गाँव जाने का नक्की कर ले। पापा मैंने परमिशन ले ली है। मुझसे? नहीं, दरवाजे से। देखिए, ये कुर्सी, ये टेबल और दरवाजा, ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है। लक्कड़ फैमिली। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मान लीजिए कुर्सी या टेबल को कहीं बाहर जाना है तो दरवाजा अगर उन्हें बाहर जाने देगा तभी तो जा पाएंगे ना। तो टेबल मतलब आप, कुर्सी यानी मैं और दरवाजा यानी दादाजी। तो दरवाजे से मैंने परमिशन ले ली है, यानी दादाजी से मैंने परमिशन ले ली है। अरे तो सीधा सीधा नहीं बोल सकता है, कुर्सी ने टेबल ने दरवाजा ने, और कब ली बापूजी के परमिशन, कब ली तूने? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। मैंने टप्पू को परमिशन ले दी है, इसलिए क्या कब ये सब छोड़ और उसे जाने दे। वो बराबर है बापूजी, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? अरे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। टप्पू सेना के साथ? हाँ, टप्पू सेना तो है ही, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो सब मिलके क्या धमाल मस्ती करने जा रहे हो? नहीं पापा, हम लोग धमाल मस्ती करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? ट्री प्लांटेशन कैंप में जा रहे हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, जंगल नदी पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, हम लोग पर्यावरण को बचाने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दी। तो तुम सब मिलके पर्यावरण को कैसे बचाओगे? हम सब मिलके ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की जमीन सूख गई है, जहाँ जंगल खत्म हो गए, वहाँ पर हम पौधे लगाएंगे। तो सिर्फ पौधे लगाने से कुछ नहीं होता है बेटा, पौधों को रोज पानी भी देना पड़ता है। तो तुम लोग क्या रोज जाओगे पानी देने के लिए? अरे पापा, भी बारिश का मौसम आएगा तो पौधों को पानी मिल जाएगा, अपने आप उग जाएंगे। पापा ट्रेवल पहुंच दीजिए ना। हाँ ठीक है, तो किचन में रख दे। हाँ। तैयार? हाँ रेडी हूँ, बस एक मिनट। हाँ पापा। हाँ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, ये ले। हाँ ओ, अरे वाह, आप लोग आ गए, सब तैयार? हाँ। आप सबका सामान कहाँ है? वो हमने हाथी पे चढ़ा है। हाँ हाथी भाई पे? वो जंगल के हाथी की बात कर रहे हैं जेठा अंकल। हाँ जंगल वाला हाथी, वो आज हम लोग जंगल में जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा टैक्सी की जगह पे हाथी बोल दूं। मजाक कर रहा है। सॉरी। चलो फ्रेंड्स, लेट्स गो। अरे एक मिनट टप्पू, पैसे है? हाँ है। ठीक है, थोड़े और रख। नहीं नहीं पापा, है मेरे पास। अरे रख बेटा, जेब में होंगे तो काम आएंगे, और काम नहीं है तो वापस दे देना। वो थोड़ा मुश्किल है पापा। है? मजाक कर रहा हूँ पापा। और सुन, मुझे पता है पापा, बख्शीश लाख नहीं, हिसाब पाई नो। जितना भी खर्चा होगा उसका पूरा हिसाब मैं लिख कर आपको दे दूंगा। शाबाश। और बच्चों, और एक बात, तुम लोग दिल से पेड़ लगाना और उनसे बात करना, उनसे कहना कि हे वृक्ष देव, आप हो तो हम हैं, आप ही से ये सारा संसार, आप हमेशा हमारी रक्षा करना।
यस दादाजी। चले फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। हाँ बेटा संभाल के जाना। हाँ पापा जी, मैं भी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बच्चो ओ बच्चो, आप लोग जंगल में जा रहे हो, वहाँ जरा शांति बनाए रखना। ये हा ही हु करके प्राणी पशु पक्षियों को डिस्टर्ब मत करना। डोंट वरी जेठा अंकल, वहाँ पशु पक्षी प्राणी कोई भी नहीं है। वो लोग वहाँ आकर बसे, इसलिए तो हम लोग वहाँ पौधे लगाने जा रहे हैं। हाँ पापा, हमारी जनरेशन अभी बहुत सतर्क हो गई है। वो जानती है कि आज के समय के हिसाब से पानी को बचाना चाहिए, बिजली बचानी चाहिए, जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। सही बात है बच्चों, और पर्यावरण के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, और जितना हो सके उतना कम खाना। हाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि खाना कम खाना और पानी ज्यादा पीना। ओके बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। और बच्चों, तेरी तैयारी हो गई? हाँ बेटे अंकल। गुड गुड, मेरी तरफ से तुम सबको हैप्पी जर्नी, बहुत सारी शुभेच्छा। चक दो फटे। थैंक यू अंकल। सोनू कहाँ है? ओ हाँ पिडू, ओ मैं भी यही सोच रही थी, वो सोनू पुत्र नहीं दिख रही, वो सोनू नहीं आ रही। हाँ, नहीं। ए, लो, आ गई सोनू। थैंक यू। मैंने परमिशन नहीं दिया सोनू को। सोनू, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी, फिर भी तुम बैग लेके नीचे आ गई। वो बाबा टप्पू ने कहा कि वो, उसने क्या कहा वो जरूरी नहीं है। तुम मेरी सुनोगी या उसकी सुनोगी? लेकिन बाबा टप्पू ने, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो मत सुन भाई। बेटा मुझे बता, क्या बोला टप्पू ने? सुना ना भाई? अरे माही तथा तरमी कसाला विचारता। बोल बोल बेटा, क्या बोला टप्पू ने? वो जेठा अंकल टप्पू ने कहा कि अगर बाबा परमिशन दे दे तो आ जाना, और अगर वो मना कर दे तो मत आना। हाँ तो मैंने परमिशन कहा दिए जो तुम बैग लेके आ गई? बाबा मुझे लगा हो सकता है आप लास्ट मिनट परमिशन दे दो और फिर पैकिंग में बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं पैकिंग के साथ रेडी हूँ। अभी आप परमिशन दोगे तो मैं जाऊंगी, वरना। हाँ तो ठीक है, परमिशन नहीं दे रहा हूँ मैं। अरे मास्टर, बच्चे इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो तुम सोनू को साथ में जाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? काम तो अच्छा कर रहे हाथी भाई, मुझे भी पता है, लेकिन आपको कैसे बताऊं कि टप्पू की वजह से नहीं जाने दे रहा हूँ। बोल भाई। अरे अब ये सब लोग जंगल में जा रहे हैं ना, और जंगल में सांप होते हैं, तो उसका मुझे डर लगता है। भेड़े अंकल, मैं हूं ना। बोलो, टेंशन खुद बोल रहा है मैं हूं ना। हाँ भेड़े अंकल, हम लोग सब साथ में, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा भी बहुत मन है जाने का, आप प्लीज परमिशन दे दो ना बाबा। ए बाबा। हाँ बोलना भाई। ओए पिड़ू, ओए हाँ बोल दे ना यारा। भेड़े मास्टर, हाँ बोल दो। हाँ प्लीज। अरे इतना क्या सोच रहा है भिड़े? बच्चे तेरा काम के लिए ही जा रहे हैं। मेरे काम के लिए? जंगल में मेरा कौन सा काम है? आचार विचार वाला है। अभी देख, बच्चे वहां जाके पौधे लगाएंगे तो उससे वातावरण में प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु बढ़ेगा। शुद्ध प्राणवायु की वजह से तुझे अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अच्छे अच्छे विचार आएंगे तो तू अच्छे अच्छे सुविचार लिख पाएगा। और दूसरा, ये लोग जो पेड़ लगाएंगे उसमें आम उगेंगे, वो आम से माधवी भाभी बढ़िया बढ़िया आचार बना पाएंगे। वाह, तो हो गया ना तेरा काम आचार विचार वाला। अभी हाँ बोल रहे कि और फायदे बताऊ? हाँ बताओ। और नहीं है कुछ भाई बोलना? हाँ बोल देना भाई। हाँ मास्टर, हाँ बोल दो। ठीक है सोनू, तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। हाँ।
तुम लोग अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन सोनू बेटा अपना ख्याल रखना वहाँ पे। भेड़े अंकल, मैं रखूंगा ना ख्याल, मैं सोनू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वाह, नहीं नहीं नहीं, इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं टप्पू, सोनू अपना ख्याल खुद रख सकती है। फ्रेंड्स, हाँ बोल। हाँ भाई, नहीं नहीं, हम लोग रेडी है। हाँ बस आई रहे। ओके, सी यू गाइस। अर्जुन का फोन आया था, बस मेन रोड पे रेडी रहेगी 5 मिनट में, हमें निकलना चाहिए। ओहो, लेकिन तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? भैया लेके आते हैं, लेके आते हैं, चलो जल्दी जल्दी। यस यस यस। यस यस, आ गए बच्चे। चलो रेडी। यस, ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट है बच्चों, ऑल बेस्ट। संभल के जाना, संभल के रहना। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, पेड़ से पेड़ लगाते चलो, दुनिया खुशहाल बनाते चलो। पेड़ से पेड़ लगाते चलो, दुनिया खुशहाल बनाते चलो। पेड़ से पेड़ लगाते चलो, दुनिया खुशहाल बनाते चलो। टप्पू सेना कितना अच्छा काम कर रही है। पेड़ है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो जीवन है। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरह से पर्यावरण हमारे जीवन में जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में हंसी खुशी और उमंग का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आज एक नहीं, आपके लिए दो दो खुशखबरियां लेकर आया हूं। जी हां, पहली खुशखबरी यह है, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3800 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मैं हमारी पूरी टीम की ओर से और हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हम पर अपना प्यार बरसाते रहेंगे, और वादा करता हूँ कि हम आपके चेहरे की हंसी को कभी ओझल नहीं होने देंगे। दिया, दूसरी खुशखबरी है, हमारे महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक एवं वन विभाग के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुधीर मुंगंटीवार जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर पधारे। आइए, नमस्ते। आइए, आज आपका स्वागत है। हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सारे कलाकार, डायरेक्शन टीम, सारे लेखक और सारे टेक्नीशियंस को इतना अच्छा शो बनाने के लिए उनकी तारीफ की और हौसला बढ़ाया। धन से तन को समाधान मिलता है, और आप जैसे कलाकारों से मन को समाधान मिलता है। वाह वाह। और इसीलिए शायद संयुक्त राष्ट्र संघ भी अब पर कैपिटल इनकम GDP इसकी बात नहीं करता, अब बात करता है हैप्पीनेस इंडेक्स जी। और इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स अगर कोई बढ़ाता है तो मोदी जी आप जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसके सभी आर्टिस्ट डायरेक्टर ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते हैं। किसी ने सही कहा है कि दुनिया का सबसे महंगा कॉस्मेटिक कौन सा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए चेहरे पे जो हंसी आती है, इससे महंगा कोई कॉस्मेटिक नहीं मिलता। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोगों को हंसाता है भगवान, उसको हर जन्म में उसके चेहरे पे हंसी ही दिलवाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इधर पधारे और हमको प्रोत्साहित किया, और आपके शब्दों से हमें बहुत एक बल मिला है, और भी अच्छा काम करते रहेंगे, और आप आए परिवार के साथ बहुत खुशी हुई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, अब गोकुल धाम में नया और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। आप तो जानते हैं कि मेरा परम मित्र जेठालाल आए दिन मुसीबत में फंसता रहता है, लेकिन इस बार मुसीबत के बादल मेरे सर पर मंडराने वाले हैं। जी हाँ, इस बार मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ, और वो मुसीबत क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, जो नए नए हंगामे लेकर आएगा। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.